मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लॉकडाउन के साथ ही आह्वान किया था कि प्रदेश में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए, इस बात को प्रशासन पूरी तरह से सुनिश्चित करे। लेकिन पुष्कर में आज भी सैकड़ों ऐसे जरूरतमंद हैं जिनके पास राहत सामग्री नहीं पहुंची है या एक बार पहुंची तो फिर से समाप्त हो चुकी है। ऐसे ही कुछ जरूरतमंद पहुंचे थे जिसको कल रविवार को स्वामी न्यूज़ ने उस खबर को प्रमुखता के साथ प्रसारित किया था और बताया था कि किस तरह जरूरतमंदों को अपनी राहत के लिए, मदद के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है, उनको बार बार तारीख नसीब हो रही है। और स्वामी न्यूज़ की इस खबर के बाद में प्रशासन में एक हड़कंप सा मचा और आज SDM देविका तोमर के नेतृत्व में एक प्रशासनिक अमला पूरे वार्ड नंबर 1 में पहुंचा है और जरूरतमंदों से बातचीत की है, उनकी पीड़ा जानने की कोशिश की है। हमने उपखंड अधिकारी देविका तोमर से बात भी की है और उन्होंने कहा है कि उनका पूरा प्रयास है कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए, लेकिन जो बहरहाल जो सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है वो इस बात को ले रखकर है कि नगर पालिका और ग्रामीण क्षेत्र को मिलाकर जो प्रशासनिक सूची बनाई गई है उसमें भी 1250 लोगों को चिन्हित किया गया है, जबकि सरकार की ओर से महज 300 खाद्य सामग्री के किट मिल रही है। ऐसे में किस तरह से जरूरतमंदों तक राहत पहुंचेगी और कैसे लोगों का जो कैसे मुख्यमंत्री का ये सपना साकार होगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में यदि लॉकडाउन बढ़ता है तो सरकार और प्रशासन किस तरह जरूरतमंदों तक खाद्य सामग्री पहुंचाते हैं और किस तरह लोग अपना पेट पालते हैं। पुष्कर से दिलीप नागरा के साथ सीताराम पारासर, स्वामी न्यूज़। स्वामी न्यूज़ ने रविवार को प्रसारित अपने बुलेटिन में पुष्कर में खाद्य सामग्री की राह देख रहे जरूरतमंदों की पीड़ा की खबर को प्रमुखता के साथ प्रसारित किया था। खबर के बाद पुष्कर उपखंड अधिकारी देविका तोमर ने सोमवार को तहसीलदार पंकज बड़गुजर, CI राजेश मीणा और नगर पालिका के कार्यवाहक EO पारसमल जैन के साथ देवनगर रोड स्थित वार्ड 1 का जायजा लेकर जरूरतमंदों की फरियाद सुनी। तोमर ने बताया कि रविवार को इस क्षेत्र से कुछ जरूरतमंद महिलाएं राहत सामग्री के लिए उपखंड कार्यालय आई थी और कुछ ने फोन करके राहत सामग्री नहीं पहुंचने की शिकायत दी थी। इस मामले में उन्होंने तहसीलदार पालिका सहायक अभियंता से रिपोर्ट तलब की है, साथ ही खुद भी जाकर तोमर ने जरूरतमंदों की पीड़ा सुनी। तोमर ने बताया कि कुछ लोगों के साथ खाद्य सामग्री मिल रही है तो कुछ लोगों को फूड पैकेट मिल रहे हैं। BLO और नगर पालिका की रिपोर्ट के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में 427 और पालिका क्षेत्र में 888 परिवार चिन्हित किए गए हैं, जबकि सरकार की ओर से 300 खाद्य सामग्री की किट ही मिल रहे हैं। तोमर ने माना कि जितनी जरूरत है उतनी खाद्य सामग्री नहीं है, इसके बावजूद जो भी खाद्य सामग्री उत्तराखंड धर्मशाला में थी या बामाशाहों से मिली थी उसके किट बनाकर जरूरतमंदों में वितरित कर दिए गए हैं। साथ ही अपर्याप्त खाद्य सामग्री के मामले में भी जिला कलेक्टर महोदय को अवगत कराया गया है। तोमर ने बताया कि जिन लोगों तक मदद नहीं पहुंची है उनकी भी मदद शीघ्र की जाएगी। बासिनी ग्राम पंचायत में एक मामला ऐसा भी आया जहां एक महिला ने खाद्य सामग्री नहीं पहुंचने की शिकायत की और घर जाकर देखा तो खाद्य सामग्री भी थी, फूड पैकेट भी थे, इसके अलावा घर में TV भी रिचार्ज हुआ था। इस महिला की झूठी शिकायत करने पर इसे पाबंद किया गया। उपखंड अधिकारी ने कहा कि जो भी लोग झूठी शिकायत करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, वे खुद घर जाकर शिकायत का सत्यापन करेगी। तोमर ने माना कि जिन लोगों की सूची बनाई हुई है उन्हें एक ही दिन में मदद नहीं पहुंची, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें वंचित रखा जाएगा, जल्द ही सबकी मदद की जाएगी। तोमर ने भरोसा दिलाया कि उपखंड में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा।